पहले हमारी दृष्टि होनी चाहिए बच्चों की दिनचर्या पर, चाहे साधक हो या विद्यार्थी हो। जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है उसका स्वस्थ ना विचार होगा और ना स्वस्थ शरीर होगा और ना वो उन्नति को प्राप्त होता है। सबसे पहले दिनचर्या। अब हमारी नई पीढ़ी की दिनचर्या ही खराब हो गई, क्योंकि सूर्य उदय के पहले उठने की दिनचर्या बहुत मंगलमय होती है। अब बच्चे 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 8 बजे सो के उठ रहे हैं। कोई महत्व ही नहीं कि भुवन भास्कर जो ज्ञान प्रदान करने वाले बुद्धि के दाता हैं, जिनका पूर्व से लेकर के आज तक वो जो भी थोड़ी समझ रखते हैं, अर्घ के द्वारा उनका स्वागत करना, वेद मंत्र गायत्री मंत्रों के द्वारा उनकी अर्चना वंदना करना, तो चलो तुम्हें मंत्र नहीं ज्ञान है, तुम्हें ऐसा ज्ञान नहीं, तो कम से कम उनके आदर के लिए सैया का तो त्याग कर दो। वैसे 4 बजे प्रातः उठना सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रातः 4 बजे नहीं उठे और आप सैया में सो रहे हैं, भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, तो आपकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, आपकी आयु क्षीण होगी, आपका श्री कांति तेज नष्ट हो जाएगा। आप देखो चेहरों में कहां तेज दिखाई दे रहा है, कहां तेज है, कांतिमान चेहरा, प्रकाशमयी वाणी, पवित्र आचार विचार कहां दिखाई दे रहा है? ना शौचाचार का ज्ञान है, ना कोई दिनचर्या है। तो पहले बच्चों को सुबह उठना सिखाएं, अपनी दिनचर्या ऐसी करें 10 बजे तक सो ही जाएं, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे हुए। हम करें और 1 घंटे सो लें, 7 घंटे अगर सो लें तो 5 बजे जग जाएंगे। तो हमें लगता है कि सूर्य उदय के घंटा भर पहले जग गए, 1 घंटा मतलब लगभग 6 बजे सूर्य उदय होते होंगे, तो 5 बजे सबसे पहले उठें। सबसे पहले उठ करके 2-4 भगवान नाम लेना सिखाए। हम कह रहे हैं माला नहीं, राधा 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 राधा, बस। फिर धरती के पैर छुए, फिर उठकर माता पिता के चरणों को स्पर्श करे, जो बुजुर्ग जन है बड़े जन है सबके चरणों को प्रणाम करे, फिर जल पिए। जो बासी मुंह जल है ना, वो उदर के बहुत से रोगों को नष्ट करता है, ब्रह्मचर्य की पुष्टता करता है। फिर थोड़ा टहल कर सोच जाए, फिर स्नान आदि करे, फिर 10 मिनट दंड बैठक, बच्चे है ना, 10 मिनट आसन और 10 मिनट बैठकर प्राणवायु का संशोधन, अनुलोम विलोम, ऐसे मतलब 30 मिनट उस लगावे। फिर इसके बाद जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, वैसे अपने वो दिनचर्या में जो स्कूल में पढ़ाया गया है वो बिल्कुल स्मृति में बैठ जाएगा, स्मृति में। और आज का जो खान पान है, वो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सैंडविच, ये जो चीजें हैं, ये उनकी आंतों को कमजोर करेंगे, उनकी बुद्धि को गिराएंगे, क्योंकि अपवित्र और गरिष्ठ वस्तुएं स्वाद में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए या बुद्धि पवित्रता के लिए बिल्कुल हानिकारक है। छोटे छोटे बच्चे इन्हीं को खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जो जो चाहे वो उसको देख सकते हैं, कैसे उनका जीवन बनेगा? तो ये प्रातः की दिनचर्या करके फिर जब स्कूल जाए, तो वहां जिसे आप कहते हैं ध्यान, तो बच्चे हैं वो किसका ध्यान करेंगे? ध्यान तब होता है जब हमारी एकाग्रता कुछ तो समिटी हो, कुछ तो हम ध्येय के विषय में जानते हो, जिसका हम ध्यान धरने जा रहे हैं उसके विषय में कुछ तो जानकारी हो कि हमें किसका ध्यान रखना है। जब ऐसे करो कि अंदर पूरी चलता चलती ध्यान तो हुआ नहीं ना। हाँ, जैसे हम लोग जब स्कूल में थे तो जाते ही प्रार्थना करवाई जाती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। पूरा सुबह सुबह अब इसका प्रभाव पड़ता है, प्राय वैसे स्कूलों में अब भी होती होगी। प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना करवाने के बाद जैसे शनिवार को बच्चों का एंजॉय डे होता है मनोरंजन के लिए, उस दिन मैंने जैसे चैतन्य महाप्रभु दिया, हाँ। तो बच्चों को नहीं पता था कौन है, हाँ, महापुरुषों के चरित्रों का तब प्रभाव पड़ेगा। पहले हम अपने चरित्र को सुधारें,
हम लोगों को चाहिए कि बच्चों के साथ एकांतिक बैठक करें, 10-20 बच्चे, 50 बच्चे जो हैं, अब उनको बताएं कि देखो ये क्रिया करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा, उसमें सरमाए नहीं। जैसे डॉक्टर अगर हमारे अंगों को देखकर शर्माएगा तो ऑपरेशन ही नहीं कर पाएगा, वो छोटे बच्चे हैं, वो गलत बच्चों की संगति से। अब आप बहुत बड़े महापुरुष का चरित्र बता रहे हैं, लेकिन बच्चों के संग से वो गंदी हरकतों में जा रहे हैं, वो गंदे व्यसनों में पड़ रहे हैं, पहले उनके चरित्र को हमें देखना होगा। अच्छा देखो मोबाइल है, अच्छा है रखो, क्योंकि तुम्हें कोई मान लो जा रहे हो और अगर कोई ऐसा है तो आप अपने घर फोन कर सकते हो, आवश्यक भी है मोबाइल, पर उसमें ये बातें नहीं देखनी चाहिए, ये बातें सुननी चाहिए। उनकी आप पहले दिनचर्या सुधारो, अगर उनकी दिनचर्या नहीं सुधरेगी ना तो आप महापुरुषों के चरित्र गाएंगे और उनके चरित्र बिगड़ रहे हैं, तो वो बैठेंगे आपके सामने शांत, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा जब हमारे चरित्र सुधरे। छोटे छोटे बच्चों में वो जैसे संक्रामक बीमारी फैल रही है, ऐसे इंद्रिय को बिल्कुल जो छूट दे करके गंदी बातें वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सब तरह के बच्चे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो सबसे जैसे अपने लोगों की एक दृष्टि होती है, एक दृष्टि गई तो पता चल जाएगा आप कितने दिन के ब्रह्मचारी हो, कितने आप कैसे भ्रष्ट आचरण वाले हो, वो दृष्टि में पता चलता है। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं यौगिक चिन्ह, जिसे पता चल जाता है, बोले हम 20 साल से, तो वो पता चल जाएगा कि तुम गप मार रहे हो कि है ऐसा। तो जैसे 13-14 वर्ष का बालक है, उसकी हालत देखी कि भाई ऐसा, तो तब वो अपनी हालत वर्णन करता है कि मेरी हालत ये। तो हमारी सबसे प्राथमिकता उसकी दिनचर्या सुधारिए, महापुरुषों के चरित्र तक थोड़ा हृदय। अब वो अपने चरित्र से ही ना तो बैठे रहेंगे, पर वो जहां भागेंगे तो अपने चरित्र बिगाड़ने वाले, तो ऐसी उनकी पहचान बताई जाए कि जैसे गलत स्पर्श क्या है, अच्छा स्पर्श क्या है। आपको कोई ऐसे स्पर्श करा मानो गलत स्पर्श कर रहा है, आपको कोई ऐसी सलाह दे रहा मानो गलत सलाह दे रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बहुत हानि हो जाएगी, आप भूल भुलैया में फंस जाएंगे, स्मृति चली जाएगी, आपके शरीर में रोग पैदा। भयावह बात सखी जाए कि अगर ऐसा किया तो ऐसे परेशान। भोजन सुधारा जाए, उनके आचरण सुधारे जाए और उनसे मित्रवत व्यवहार किया जाए। टीचर का मतलब गुरु होता है, गुरु का मतलब माँ होता है। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं उनको हमें प्यार देना माँ की तरह। माँ कैसे, थोड़ी सी गलती भी हो जाए डांट भी देंगे, लेकिन अपने बच्चे को जैसे हम डांटते हैं वैसे डांटेंगे, उसके साथ व्यवहार ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा बच्चा होता उसकी जगह में तो हम कैसा व्यवहार करते। पहले अपने से प्रश्न करना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा होता और वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता तो हम कैसे करते। हम प्यार से समझाते भाई चलो ऐसा, हमको वही दृष्टि रखनी है कि हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं मानो ये मेरे ही बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा प्यार का व्यवहार। किसी की गलती में उसको विरोध के द्वारा सुधारा कम जा सकता है, प्यार के द्वारा ज्यादा सुधारा जा सकता है, उसको बार बार प्यार से समझा करके तो उस पर हम विजय पाए। पहले उनकी दिनचर्या ठीक करें, अगर दिनचर्या ठीक हुई तो स्मृति और स्वास्थ्य, जैसे हमने कहा व्यायाम भी जरूरी। अब ये ठीक है ना तो आप जो समझाओगे समझ में आ जाएगा, महापुरुषों की बात अगर सुनाओगे तो उत्साह आएगा, और जहां मन मलिन आचरणों की तरफ भाग जाता है फिर सुधारना मुश्किल होता है। ये जो टच वाला मोबाइल बड़ा हुआ स्क्रीन वाला है ना, ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि एक तो वैसी इंद्रियां चंचल होती हैं और अभी नए नए विकास हो रहे हैं मन बुद्धि के, तो भागते हैं विषयों की तरफ। अब उनको पूरा ज्ञान है सब, गेम खेलना उसमें सब, मोबाइल में क्या है ये कहते हैं सर्च करो तो कुछ भी संसार की बात आ जाएगी। अब उनमें से कोई चंचल बालक सर्च करके गंदी बातें दिखाएगा, वही संस्कार पड़ जाएंगे। वो कुछ अब कैसे संभाला जा सकता है जिसके हाथ में स्क्रीन वाला बड़ा मोबाइल है, वो बच्चा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर छोटा मोबाइल दिया जाए कि आपको फोन करने के लिए ये है बस, अगर पढ़ाई लिखाई की तो हमारे सामने आप पढ़ो लिखो, उसमें जो भी है मान लो ऐसा कुछ है और हम चेक करें मोबाइल उनका कि क्या देखता है। आजकल इतने बच्चे प्रवीण है ना कि वो आपको चेक भी करवा देंगे, बिल्कुल साफ स्वच्छ कुछ नहीं उसमें, उनको पता है वो पूरा डेटा ही उड़ा देंगे, बहुत चतुर है। तो ये सुधारा जाए तब हमारी और हमारी पढ़ाई जो विद्या है वो भगवत स्वरूप है। ऐसा नहीं कि ये आधुनिक विद्या किस काम, ऐसा नहीं। आधुनिक विद्या पहले बुद्धि को विकसित करती है, उसी विकास को हम आध्यात्मिक विद्या की तरफ मोड़ देते हैं। भाई आपके पास शक्ति है, आप उसे किसी के पीटने में या किसी के बचाने में लगा सकते हो, तो आपके पास विद्या ही है। आप उसे किसी की चोरी हिंसा छल कपट या किसी को बचाने और किसी का समर्थन समाज सेवा देशभक्ति माता पिता की सेवा इसमें लगा सकते हैं, और आध्यात्मिक विद्या में भी
ब्रह्म प्राप्ति भगवत प्राप्ति में भी लगा सकते हैं। तो पहले विद्या प्राप्त करने के योग्य बालकों का खान पान, उनकी दिनचर्या, उनका उठना, उनका सोना, उनका संग, इस पर ज्यादा जोर दिया जाए तभी बात बनेगी। अगर इस पर जोर नहीं दिया जाएगा, हम बात कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की और वो मतलब स्थिति उनकी गिरती चली जा रही, तो बैठे जरूर रहेंगे, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि पकड़ने वाली बुद्धि जो है वो गिर चुकी है, वो वासना में गिर चुकी है। इसलिए हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं कि माता पिता भी अपनी दिनचर्या ऐसी सावधान रखो कि आपके संस्कार बच्चों के ऊपर पड़ेंगे। आप जहां घर में रह रहे हैं, जो वातावरण उपस्थित कर रहे हैं, उसी संस्कार से बच्चे पल रहे हैं, तुमको वैसे ही भोगना पड़ेगा। आप उनके पहले गुरु हैं, आपको कुछ बातें ऐसी सावधानी से रखनी है अपने जीवन की जो उनकी दृष्टि में ना आवे, जो उनकी दृष्टि में आए और उनका पतन करे, ऐसे बहुत सावधान। अब ऐसे ऐसे मूढ़ पुरुष हैं, ले आ बच्चा वो बोतल रखी हो, गिलास रखा, ले क्या संस्कार डाल रहे हो तुम पिता हो या उसके शत्रु हो, तुम हंसी मजाक ऐसी बातें, और फिर उन बच्चों को तुम चाहते हो कि देशभक्त बन जाए, वीर बन जाए और ये दुर्गुण त्यागी बन जाए, कैसे बन जाएंगे? पहले आप अपना आचरण, यही सबसे बड़ी कमी है। तो हमें अपने आचरण सुधारने, हमें बच्चों को सुधारने के लिए पहले उनकी दिनचर्या पर ध्यान देने, कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें बोलना है, कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, फिर उसके विद्या कोई भी पढ़ाओ उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि बच्चों को हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इस पर सबको सिखाओ। हमारे मित्र कैसे व्यवहार करते हैं तो वो गंदा व्यवहार है, वो कैसा व्यवहार करते हैं अच्छा व्यवहार है, कौन सा भोजन हमारा स्वास्थ्यवर्धक है, कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य की हानि करता है, फिर विद्या पढ़ाओ जो अपनी दिनचर्या जो आधुनिक विद्या है उसके साथ साथ महापुरुषों के जैसे आप कहते चरित्र बताते। अब ये कि स्कूल में जैसे अभी किसी ने बताया था एकांतिक में कि वो राम कृष्ण ऐसा कुछ बोला या कुछ ऐसा तो उसको दंडित किया गया, वो नाम कीर्तन या कुछ है, भला कैसे शुद्धि होगी? भगवान के नाम का विरोध टीचर कर रहे हैं। अगर वो मान लो तिलक लगा के गया है तो सात्विक भाव वाला है ना, तो वो तिलक निषेध कर दो, ये तो मतलब भारत है, यहाँ तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी ऐसे हुए जो अपने तो अभी क्या आधुनिकता फैल रही कि अगर बच्चा सात्विक भाव करके जाए तो उसे थप्पड़ मार दे, वो नाम कीर्तन या कुछ भागवतिक तो उसको स्कूल से निकाल दे, तो फिर कैसे सुधार होगा, कैसे सुधार होगा, फिर तो गलत बात होगी। तो ये हमको भी सुधार करना है, हमारे बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान देनी है। हम हर साधक से कहते हैं तुम्हारी दिनचर्या ही तुम्हारा भगवान है, अगर तुम्हारी दिनचर्या ठीक नहीं है तो सब बेकार है। दिनचर्या अपनी ठीक है और 12 वर्ष तक एक दिनचर्या में चले तो सिद्ध हो जाती है, कोई भी भागवतिक दिनचर्या या दैनिक दिनचर्या, तो एक परिपक्वता आ जाती है। अब यहाँ ना सोने का कोई समय है, ना जागने का, ना खाने का, ना कोई दिनचर्या है, तो कैसे कैसे, इसलिए सुधार किया जाए। हमारी तो यही बात समझ में आती है और तो कुछ समझ में आएगा नहीं हमें। बिना अध्यात्म के, बिना जीवन को संयम में लाए, बिना पवित्र आचरण के किसी की उन्नति होने वाली नहीं। ये लौकिक उन्नति उन्नति समझते हो, गंदे आचरण करके आप कुछ भी बन जाओ, जब गिरोगे तब तुम्हें पता चलेगा कहाँ से फेंके गए हो, अब कितने नीचे गिरे हो कि उठने लायक नहीं रहोगे, और शरीर तुम्हारा विनाशी थोड़ी छूटेगा, इसके बाद जो दुर्गति होगी, फिर जैसे होता है ना कि आप तो ऐसा समझो अधर्म करने वाले बड़े उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, उन्नति को प्राप्त नहीं हो रहे, ऊंचे चढ़ा के पटके जाएंगे, ये ऊंचे चढ़ा के ऐसे पटके जाएंगे किसी काम के नहीं रहेंगे, सारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं। अधर्म आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं, कभी शांत नहीं हो सकता, कभी वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए।